FSC एंटरटेनमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे आजमगढ़ के सबसे प्रसिद्ध कॉलेज पर, जिसका नाम है शिबली नेशनल कॉलेज। हमारा साथ देंगे शिबली कॉलेज के एलुमनाई सलमान अहमद आजमी। सलमान हमें ना सिर्फ शिबली कॉलेज के कैंपस की सैर कराएंगे, बल्कि इस कॉलेज की मशहूर उर्दू लाइब्रेरी पर भी ले चलेंगे और इस लाइब्रेरी से जुड़ी हुई काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। आइए मिलते हैं सलमान से। हाय, वेलकम बैक टू FSC एंटरटेनमेंट। मैं हूँ शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ में और इस कॉलेज के एक एलुमनाई के साथ हूँ, सलमान के साथ। अस्सलाम वालेकुम सलमान। वालेकुम सलाम। सलमान, बहुत यूट्यूब पे रिसर्च किया मैंने, लेकिन कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली इस कॉलेज के बारे में। हालांकि सबसे प्रसिद्ध कॉलेज है उत्तर प्रदेश जी, बताइए इसके बारे में जी। सबसे पहले तो मैं आपका अल्लामा शिबली नुमानी की सरजमीन पर आपको वेलकम करता हूँ फैज भाई। थैंक यू। ये शिबली कॉलेज इसलिए इतना फेमस है क्योंकि अल्लामा शिबली नुमानी साहब ने इसकी नींव रखी थी सन 1883 में। 1883 में जी, 1883 में इसको फाउंडेशन इसकी फाउंडेशन लगी थी। ओके जी। अल्लामा शिबली नुमानी जो कि इस्लामिक स्कॉलर थे। कॉलेज कब बन गया ये फुल फ्लैश कॉलेज? आपका रनिंग में जैसे इंटर कॉलेज पहले हुआ, फिर ये आगे चलकर डिग्री कॉलेज में तब्दील हुआ, जो ग्रेजुएशन में 1946 में, जो कि जी बिल्कुल, जो कि इधर आस पास में कोई भी यूनिवर्सिटीज नहीं थी, तो ये आगरा यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। ओके, उससे रन होता। कितने स्टूडेंट्स अकोमोडेट कर सकता है एक समय पर? ईयरली यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट जो है कि रहते हैं। एनुअली 10,000। ओके ओके। इसकी प्रेमिसेस के प्रीमाइसेस के बारे में बताओगे आप? बिल्कुल। कहां से बिल्डिंग्स जो जी, ये आपका मेन एंट्रेंस है। दिस इज द मेन एंट्रेंस। सो आजमगढ़ में है कहां पर ये? ये बिल्कुल पहाड़पुर तिराहा, ये शिबली सेंटर ऑफ आजमगढ़, सेंटर ऑफ आजमगढ़, हार्ट ऑफ आजमगढ़। ओके। सो आजमगढ़ कॉलेज से घुसते वक्त व्हाट इज दिस बिल्डिंग ऑन द राइट हैंड साइड? ये कौन सी बिल्डिंग है? ये कॉलेज का जी हिस्सा है? ये कॉलेज का हिस्सा है, ये क्लासेस हैं, ये क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं इसके ये सारे क्लासेस हैं, ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है, इसमें कंप्यूटर क्लासेस। कॉलेज में MBA वगैरह है? नो, तो सिर्फ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन लेवल है, पीजी ग्रेजुएशन है, उसके बाद आप देख लेंगे BBA है अभी। हाँ ओके। और आर्ट्स कॉमर्स साइंस से भी? बिल्कुल सर, आर्ट्स कॉमर्स साइंस लॉ PhD BEd। ठीक है। और ये मेन कॉलेज बिल्डिंग है, ये सिर्फ इतना नहीं है, कॉलेज पीछे भी बिल्कुल भी बहुत बड़ा है। क्या जैसे आगे आपका अपने कामरान भाई, कामरान भाई आप बहुत एक्साइटेड थे ये जगह घुमाने के लिए जी। फहद भाई क्यों वैसे? फहद भाई मैं छोटा था तब से मैं कानपुर चला गया फहद भाई, तो मेरी स्कूलिंग और कॉलेज जानते हैं कानपुर से ही है। अच्छा। लेकिन जब मैं बड़ा थोड़ा सा हुआ तो मैं फिर आया देखा तो मुझे यहाँ पे जानते थोड़ा सा अफसोस था। नहीं, अंकल जानते वहाँ से CA की पढ़ाई कर रहे थे जी। तो छोटा था तो अंकल साथ लेके गए जी। लेकिन जब आया यहाँ पे घूमा तो लगा कि जानते घर के पास अगर जानते चीजें इतनी अच्छी थी तो जानते किया जा सकता था जी, मिस करता था मैं। लेकिन मेरे दोस्त हैं ये सब यहीं से पढ़े हैं जी, तो ये हमारे साथ बहुत सी वीडियोस में हैं। सलमान भाई आइए, फैज भाई मैं आपको टूट रहा हूं आजमगढ़ में जी। मुझे आप ही लोगों से पता चला जिसका सरनेम आजमी होता है जी, वो आजमगढ़ से बिलोंग करता है जी जी। तो बॉलीवुड की एक फेमस पर्सनालिटी जो शबाना जी, शबाना आजमी उनकी, शबाना आजमी का आपने कहा कुछ कंट्रीब्यूशन भी रहा है बिल्कुल इस कॉलेज में, हम वो भी बिल्कुल आप देख सकते हैं, आपको मैं आगे दिखाता हूँ जी। तो ये नॉर्मल कॉलेज की बिल्डिंग, ये नॉर्मल कॉलेज की बिल्डिंग है, ये आप देख सामने देख सकते हैं, ये बास्केटबॉल कोर्ट है। सो बॉम्बे में कैसा होता है कॉलेज, हम किसको कहते हैं 11th स्टैंडर्ड से, और दूसरे स्टेट्स में क्या होता है 13th से होता है 12th के बाद जी। तो यहाँ पर क्या है ये 12th के बाद है, बाकी जो आप इंटर कॉलेज देखेंगे तो इसके इसका इंटर कॉलेज भी है और जो बिल्कुल इससे सटा हुआ है, आपको मैं दिखाता हूँ। बास्केटबॉल कोर्ट भी है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं जो सामने, ये बास्केटबॉल कोर्ट है, ग्राउंड है, वी हैव स्विमिंग पूल एज़ वेल। या नो, नहीं स्विमिंग पूल नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं ये डिविजन्स है एक क्लास, प्लेइंग ग्राउंड, प्लेइंग ग्राउंड आप देख सकते हैं जी, डिविजन्स। जैसे यहाँ पे जो पढ़ाई की अगर आप बात करें तो यहाँ पे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ लॉ है, बाकी आपकी डॉक्टरेट डिग्री PhD है, रिसर्च स्कॉलर। आपने आपने किस फील्ड में? मैं BSc मैंने कितने साल आपने पढ़ा? तीन साल आपने पढ़ा।
अच्छा एंट्री यहाँ पे एंट्रेंस बहुत इजी है कि वेरी डिफिकल्ट? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप इजी नहीं कह सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव एक एंट्रेंस पेपर होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। अच्छा। उसी के बेसिस पे मेरिट जो भी आती है में हमें जितना परसेंटेज मिला है उसके बेसिस उससे उसके बेसिस पे नहीं होता। एंट्रेंस एग्जाम होता है तो फिर उसके उस पे जो लोग अपीयर होते हैं उसका जो कट ऑफ जाता है उसके बेसिस पे एडमिशन होता है। अच्छा, वैसे दूसरी कॉलेजेस में माइनॉरिटी जो रहती है, आई मीन जनरली ये माइनॉरिटी ज्यादा है, मेजॉरिटीज माइनॉरिटी जी जी माइनॉरिटीज का अजर में मुस्लिम ज्यादा जी जी आप कह सकते हैं। यहाँ रिजर्वेशन भी है, अब ये प्लेग्राउंड देख सकते हैं, ये इतने मॉर्निंग वाले लोग भी हैं। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल नॉन मुस्लिम्स भी हैं। अब काफी अच्छे नंबर्स में हैं। ओके जी, आप देख सकते हैं ये प्लेग्राउंड है, इसमें संडे है आज, फिर भी ये एक टूर्नामेंट है, मेरे ख्याल से मैच भी हो रहा है। आप ये पूरा प्लेग्राउंड है, इसमें कॉलेज की ये कॉलेज की इसमें हॉकी टीम है, क्रिकेट टीम है और फुटबॉल टीम है। ओके, तो यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी है जिसका हम जी वीडियो बनाएंगे। बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा और बता देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कॉलेज का पार्ट है। ओके ओके, तो वो लाइब्रेरी जो आपने कहा वो पूरे वर्ल्ड की इस्लामिक एकेडमिक के उस पे एशिया में टॉप 10 पे आती है। अच्छा, टॉप 10 में जी। आप जाएंगे तो अगर मौका मिला तो, आज तो बंद, आज संडे की वजह से आपको मैं कुछ दिखा नहीं सकूंगा, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो अभी मैं आपको वहां चल के आपको बताता हूं क्या क्या है, कौन कौन है जी, वहां पर चल के बताएंगे जी। बाकी ये आप देख सकते हैं जो है वो एग्जैक्टली इज दैट बिल्डिंग, ये कॉलेज का गेस्ट हाउस है। कोई भी जी, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है ये, आप देख सकते हैं ये सामने लेफ्ट साइड पे जो है गर्ल्स हॉस्टल है। एक मिनट रुकिए जी। ये है गर्ल्स हॉस्टल, ये है गर्ल्स हॉस्टल, मैं आपको इसका गेट व्यू दिखाता हूँ। इसकी जो फीस जो है ये कॉलेज की काफी प्रीमियम है क्या? नो, बिल्कुल बिल्कुल रीजनेबल है, ये सेंट्रल फंडेड है जी, सेंट्रल स्टेट स्पॉन्सर जी। सर, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा हो तो ही इसमें जो दाखिला ले। आप ये देख सकते हैं, आप नाम पे कैफी आजमी गर्ल्स हॉस्टल, ये जी आपकी मशहूर अदाकारा जो है शबाना आजमी के वालिद साहब हैं, जो ये उन्हीं ने बनवाया जी। बिल्कुल, ये जो पोएट रह चुके हैं जी जॉन आलिया के दौर में, गर्ल्स हॉस्टल है। तो आजमी परिवार ने काफी कंट्रीब्यूशन दिया है आजमगढ़ को। और बताइए कुछ इस कॉलेज के बारे जी, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये जो सामने देख रहे हैं तो ये फैकल्टी ऑफ लॉ है। ओके, डिपार्टमेंट, ये जितने भी लॉ के क्लासेस चलते हैं वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये नहीं नहीं वेडिंग्स वेडिंग्स के लिए जी, वेडिंग्स के लिए भी ये सब। बट वेरी ब्यूटीफुल है ये जो बॉर्डर बनाया है। संडे तो ये जो है ग्राउंड, ये कॉलेज कल्चरल प्रोग्राम्स के लिए भी इस्तेमाल। बिल्कुल बिल्कुल, कल्चरल प्रोग्राम से भी कोई भी गैदरिंग्स होती हैं यहाँ संडे संडे। मैसिव यूनिवर्सिटी, मैसिव कॉलेज जी। ये कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर आता है? ये VBSPU पूर्वांचल, VBSPU के अंडर आता है, उसी से एफिलिएशन है इसका। okay. जो जौनपुर में है हमारी। okay. आइए मैं दिखाता हूँ आपको, ये गेस्ट हाउस है जो कि आप देख सकेंगे। कोई भी फायद भाई, कोई भी ऑफिशियल अथॉरिटी या मैनेजर, कोई भी गेस्ट आता है शहर में तो वो यहीं स्टे करता है। आप देख सकते हैं इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। ब्यूटीफुल, वेरी वेल मेंटेन जी। Now the guest house is only for officials, huh? Not for general visitors, सिर्फ officials के लिए। नहीं नहीं, आप वैसे भी जो गेस्ट हैं या फिर आप उसको ले सकते हैं शादी पर्पज से। okay, कोई आपका गेस्ट आया जी, बिल्कुल। okay. Or you can rent it. Yeah. Okay. Thank you.
सो सलमान हमें लेके आए हैं दारुल मुसन्नफीन शिबली एकेडमी जी। सलमान हम वहाँ से तो एंटर नहीं कर पाए तो हमें पूरा घूम कर आना पड़ा जी। ये मेन गेट है आप देख सकते हैं, मेन गेट। नाम क्यों दारुल मुसन्नफीन शिबली? दारुल मुसन्नफीन ये अल्लामा शिबली नुमानी साहब ने इसकी शिबली एकेडमी इसी की नींव रखी थी। जो दारुल मुसन्नफीन आप एक तरह से कह सकते हैं दारुल मुसन्नफीन हाउस ऑफ राइटर्स। आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या है यहाँ पर जी। लाइब्रेरी है बिल्कुल, आप ये सामने देख सकते हैं ये लाइब्रेरी है। दिस इज लाइब्रेरी जी। ये आप पूरा व्यू सलमान यहाँ पर लाइब्रेरी भी है जी, यहाँ मस्जिद भी है जी, मस्जिद भी है, लाइब्रेरी है। पहले मैं आपको लाइब्रेरी के बारे में बताता हूँ, ये 100 साल से पुरानी लाइब्रेरी है। अच्छा बिल्कुल, अब जो भी इस्लामिक ऑथेंटिक बुक्स जो हैं आपको इस लाइब्रेरी में मिलेंगी। आइए मैं आपको हम आपको दिखाते हैं क्या क्या चीजें थी, क्या क्या कुछ नायाब किताबें थी जो पूरे इंडिया में नहीं मिलती आपको। कुछ बता रहे थे और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आज़ादी से पहले यहाँ पे जो पब्लिक फिगर्स थे, जो पॉलिटिकल राइवल्स थे, वो आ चुके हैं। जैसे आप महात्मा गांधी को कह सकते हैं, मोतीलाल नेहरू आ चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल यहाँ पे आते थे आज़ादी, बिल्कुल आज़ादी से पहले यहाँ पर आते थे, यहाँ पे बैठक होती थी, यहाँ पे आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़ी जाए ये सब यहाँ पे ये लोग अच्छा स्टे करते थे, वो पूरे सिनेरियो यहीं पे। तो यहाँ पर कुछ किताबें भी होगी जो बिल्कुल यहाँ पे 1.5 लाख किताबें आपको मौजूद मिलेंगी। एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव आपको क्या मिलेगा, महात्मा गांधी के उर्दू में लिखे हुए खत, मोतीलाल नेहरू के उर्दू में लिखे हुए खत, महात्मा गांधी उर्दू भी बिल्कुल। आज उर्दू मुसलमानों के वो तो आज के दौर में कहा जा सकते कह रहे हैं, लेकिन ऐसी उर्दू की अगर जो कम जानकार उर्दू का है वो समझ ना पाए। आज संडे है नहीं तो वो आपको मैं अंदर ले जाकर दिखाता। अल्लामा शिबली नुमानी साहब जो शिबली कॉलेज के फाउंडर रह चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर थे, पोएट थे, आप उनके बारे में अगर मैं कह दूं तो शिबली एकेडमी का जो अपना इनका सबसे पहले मैं आपको बता दूं शिबली एकेडमी का अपना कॉलेज है, अपना प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस बिल्कुल। तो यहाँ से कोई अखबार छपता है? नहीं नहीं, शिबली प्रेसेस इन बुक्स जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका अपना खुद का जर्नल है, इनके अपने राइटर्स हैं, इनकी अपनी लाइब्रेरी है। तो आप जैसे शिबली बहुत फेमस शिबली नुमानी साहब की अगर ये लाइब्रेरी का एक्सेस सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को है कि आउटसाइडर्स? नहीं नहीं, आउटसाइडर्स भी अलाउड हैं, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। सी अब मैं आपको अल्लामा शिबली नुमानी की कुछ किताबों के बारे में बता दूं। जैसे आपको मैं बताऊं कि सीरतुन नबी जो आपने सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे इस्लामिक उसमें आप देख सकते हैं, लोग पढ़ते हैं उसको, सीरतुन नबी। सीरतुन नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी पे है जी, 7 वॉल्यूम्स में अवेलेबल है ठीक है, और अल्लामा शिबली नुमानी साहब ने लिखी थी। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत सी किताबें लिखी थी, जैसे हनीफा इमाम हनीफा के ऊपर लिखी थी उन्होंने, उमर हजरत उमर रजी अल्लाह अनहु के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। अच्छा। ये सब किताबें आपको मिलेंगी, मौजूद मिलेंगी, और उन्होंने उस पर भी लिखी थी। जैसे वो ट्रैवल किए थे आप क्या इजिप्ट में, टर्की, सीरिया, तो उसके ट्रैवल्स के वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किताबों में रखा था। आप ये सामने देख सकते हैं मस्जिद है जी, बहुत वेल मेंटेन है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्डिंग कलर वलर किया है सही, गार्डन इज मेंटेन्ड एक्सेप्ट फॉर दिस वन, हर चीजें यहाँ टेक केयर करके रखी जाती हैं। आप ये लाइब्रेरी का वो पीछे वाला गेट देख सकते हैं, ये पीछे का है, सुकून मिल रहा है यहाँ पर जी, वेरी पीसफुल। आप ये कुआं देख सकते हैं, पहले के वक्त में जब आज़ादी से पहले तो लोग आते थे, तो जो यहाँ स्टे करता था
यहीं पे नहाता था। ओके और ये क्या है, ये स्टाफ स्टाफ का रूम है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये कब्रिस्तान है जी। हाँ। बिल्कुल शिबली नुमानी साहब की यहाँ पे कब्रें हैं जी। ये मस्जिद है आप देख रहे हैं, ये कब्र अल्लामा शिबली नुमानी साहब की। ये सैयद सलाहुद्दीन अय्यूब अब्दुल रहमान की, अल्लामा शिबली नुमानी साहब की ये कब्र है। मोहम्मद हामिद नसन हसन नुमानी की है, मौलाना जियाउद्दीन इस्लाही। तो ये है कॉलेज का बैक साइड पीछे जो आप देख रहे हैं, और यहाँ पर भी तीन कब्र है। मसूद अली नदवी साहब की, अब्दुल सलाम नदवी साहब की, तारिक वफाद। ये तारिक वफाद नहीं, वो नाम नहीं। अच्छा तारिक है नहीं, जो डेट में उनकी वफात हुई है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एक इंटरेस्टिंग चीज़। ये आप ही नहीं खेल रहे हैं जी। यहाँ पे सबकी जुबान केसरी है। आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर बंद है ना। ओ एक मिनट सलमान जी। ले लीजिए वीव, ले ले बस यहीं से ले सकते हैं टहल के वहाँ तक। ये शिवली के जो अंदर उनके परमिशन हैं, ये जो मस्जिद है यहाँ पे नमाजें होती हैं पांचों वक्त की और जुमे की सारी नमाजें जी। आप कुछ बता रहे थे जी, मैं ये बता रहा था ये जो उस वक्त में जो आपको मैंने कुआं दिखाया था उसकी एक चीज़ मैं बताना भूल गया था। जैसे आप आइए मैं दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये कुआं है, ये स्पॉट जो हाईलाइट किया गया है। यहाँ पे जब महात्मा गांधी या कोई भी पॉलिटिकल लेवल या कोई भी हस्ती आती थी तो यहाँ पे वो इसी कुएं के पानी से नहाते थे। अच्छा। यहीं बैठकर नहाते थे, यहाँ आप कह सकते हैं महात्मा गांधी बैठकर नहाए। सुपर इंटरेस्टिंग जी, बिल्कुल। कोई भी उस वक्त का मशहूर पोएट फलसफी यहाँ से होके ही गुजरता था। अच्छा। ये क्या है? हाँ? ये आप रिहाइश है, फैमिली है, ये रिहाइश है प्रोफेसर वगैरह की। ओके, दिस इज अगेन लाइब्रेरी का बिल्डिंग है सामने जी। ये वाला ऑडिटोरियम, ये ऑडिटोरियम है। आपने कितने मरतबा यूज किया है लाइब्रेरी को? पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं था आपको? मुझको पढ़ाई के नाम से डर लगने लगता है, अब बिल्कुल मत पूछो। बहुत काम पहली बार आ रहे होगे जी। बस ये मेरा कॉलेज है, यहाँ पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये है the amazing Shibli College, one of the best places in Azamgarh, and I'm very thankful to all of you guys, क्योंकि ढाबे पे तो बहुत लोग जाते हैं लेकिन ऐसी जगह आना कोई भी तो वाकई में एक गर्व फील होता है। यू फील वेरी प्राउड कि एक्चुअली इनकी अपब्रिंगिंग बताती है कि ये एजुकेशन को कितना वैल्यू करते हैं। ठीक है, जो एजुकेशन को वैल्यू नहीं करेगा वो ना तो यहाँ पर आने में इंटरेस्ट रखेगा, ना तो लोगों को बताने में इंटरेस्ट लगेगा। सो ये सारे लोग जो है दे ऑल वैल्यू एजुकेशन, विच इज व्हाट आई लव अबाउट पीपल ऑफ आजमगढ़। कीप ग्रोइंग एंड आई होप अगर आप आजमगढ़ के हो तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे। लेकिन फहद भाई एक बात जी, फहद भाई लेकिन एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, जितना हम लोगों को वैल्यूबल लगा आपको भी इंटरेस्ट था, वैल्यूबल था, इसलिए आप यहाँ तक आए जी। फहद भाई मैंने आपकी आंखों में जानते बनाते हुए चमक देखी कि जानते क्या कहते हैं कि अब हम लोगों को और अच्छा लगेगा कि हाँ पहले से जी। फहद भाई और अच्छा लगेगा, जानते क्या कहते हैं, हम लोगों ने ऐसी चीज दिखाई जिसको देख के आपको बहुत अच्छा लगा और व्यूवर्स को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। अच्छा, और जो आजमगढ़ में बहुत से आपने कहा कि आजमगढ़ के ज्यादातर लोग हैं वो चले जाते हैं गल्फ में जी, और उनके लिए शायद यूट्यूब एक माध्यम होता है अपनी चीजों को। तो उम्मीद करता हूँ एफएसए के माध्यम से आप अपने
आपकी कुछ यादें ताजा होगी जो यहाँ से पढ़ा हुआ है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, इस लाइब्रेरी में आए हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वी वुड लव टू रीड अबाउट योर एक्सपीरियंस। ठीक है, और भी है आगे कोई? जी ये आप देख सकते हैं, जो मैंने आपका कहा था कि इंटर कॉलेज की बिल्डिंग, ये ये यहाँ से इंटर कॉलेज की फ्रंट तक है। बिल्कुल, ये इंटर कॉलेज की बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये है अपना हमारी आजमगढ़ कॉलेज की लाइब्रेरी। जी बिल्कुल, सो मच, थैंक यू।